हाय फ्रेंड्स, तो मैं मोहित पारिक आपके अपने चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आप सबके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है, तो बहुत भाई बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत टाइम हो गया उन्हें छोड़ा हुआ, अच्छे से एडल्ट भी हो गया फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको आज 10 पॉइंट बताऊंगा, वो 10 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आपके बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आगे मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, 10 पॉइंट उसको ध्यान में रखिएगा, आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेंगे, ये मेरी गारंटी है, आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा और उन पॉइंटों का ध्यान रखिए, आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो दोनों मेल और फीमेल ही तो है। बहुत बार होता है कि दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो पता नहीं चलता, तो ऐसा भी होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों मेल और फीमेल हैं। तो मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप ये ध्यान कर ले, देख ले कि फीमेल कहीं मेल से बड़ी तो नहीं है। बहुत बार होता है कि मेल छोटा हो और फीमेल बड़ी हो तो वो जल्दी से जोड़ा नहीं लगाते और ब्रीड नहीं करते। अगर मेल बड़ा और फीमेल छोटी है तो फिर भी जोड़ा लग जाता है। अगर फीमेल बड़ी और मेल छोटा हो तो ये जल्दी से जोड़ा नहीं लगाते, बहुत कम चांस के अंदर इनका जोड़ा लगता है। तो ये भी एक बार कन्फर्म कर लें। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो आपके बर्ड्स का केजिस ऐसी जगह तो नहीं रखा हुआ जहाँ पे सबका आना जाना लगा रहता है। तो भाई ये मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि बर्ड्स का पिंजरा ऐसी जगह रखो जहाँ पे प्राइवेसी मिले उनको और लोगों का आना जाना ना रहे पास से, तो बर्ड्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात करता हूँ कि आपके केजिस के पास बड़े जानवर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शिकरा वगैरह, तो इनसे डर के भी बर्ड्स वगैरह ब्रीड नहीं करते हैं। तो हमारा केजिस ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे बिल्ली, कुत्ता, शिकरा वगैरह नहीं आ रहा। तो ऊपर छत के ऊपर कोई रूम वगैरह हो तो उसके अंदर रख लेना चाहिए, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पे ये कुत्ता, बिल्ली, शिकरा नहीं आए। तो दोस्तों अगले टॉपिक पे चलता हूँ मैं, पांचवे टॉपिक पे। तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं आप अपने बर्ड्स के केजेस को हिलाते तो नहीं हो एक जगह से दूसरी जगह। हमें बर्ड्स के केजेस को एक जगह फिक्स कर देना चाहिए, उसे हिलाना नहीं चाहिए कहीं एक कोई जगह पे, कहीं दूसरी जगह पे रख दिया ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे एक जगह पर फिक्स कर देना चाहिए और उसे हिलाना नहीं चाहिए, तो बर्ड्स जल्दी ब्रीड करते हैं। और अगर मैं अगले टॉपिक पर बात करूँ तो मैं आपको छठा टॉपिक बता दूँ कि बहुत भाइयों को शौक़ होता है और पहली बार बर्ड्स वगैरह लेके आते हैं तो वो इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि बर्ड्स कब ब्रीड करेंगे, और उनके पूरे दिन उनके पास में बैठे रहते हैं, पूरे दिन देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बर्ड्स को प्राइवेसी देनी चाहिए। दिन के अंदर हम 3 से 4 बार जा सकते हैं बर्ड्स के पास, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो वो भी दाना पानी वगैरह डालने के लिए जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमें बर्ड्स के पास, बर्ड्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। तो दोस्तों मैं सातवें पॉइंट की अगर बात करूं तो हमें बर्ड्स वगैरह को बेस्ट सॉफ्ट फूड वगैरह देना चाहिए, बेस्ट अच्छी डाइट देनी चाहिए हमें। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो बना के आपको बताऊंगा एक टॉपिक पे, जिसके अंदर मैं डाइट का बताऊंगा, हमें एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर उन्हें रोज़ाना क्या क्या डाइट देनी है, अच्छी से अच्छी डाइट जिनसे उनकी सारी कमियाँ भी पूरी हो जाए और वो उसे शौक से खाते भी हो, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बनते ही उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमें बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी चाहिए, बहुत बार बर्ड्स क्या करते हैं उन्हें अच्छी डाइट मिलती है तो फिर ही वो अंडे वगैरह देते हैं, कि उन्हें पता होता है कि ठीक है अब बच्चे वगैरह अच्छे पल जाएंगे, उनकी भराई हो जाएगी अच्छे से, तभी वो ब्रीड वगैरह करते हैं। बहुत भाई तो उन्हें सिर्फ बाजरी देते हैं या कंगनी देते हैं, तो ऐसा नहीं देना चाहिए, उन्हें सॉफ्ट फूड वगैरह भी देना चाहिए। और अगर अगले टॉपिक पे बात करूं तो मैं आपको 8वां टॉपिक बता दूं कि उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहिए, विटामिन वगैरह की मेडिसिन वगैरह, और उन्हें कैल्शियम ब्लॉक, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने एक कैल्शियम का बताया था, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। कैल्शियम, विटामिन वगैरह, विमिनरल वगैरह इनको देना चाहिए, जिससे ये बर्ड्स अंडे वगैरह जल्दी देते हैं
और अगर मैं नम्बे पॉइंट पे बात करूँ तो उनका केजेस का जो साइज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। केजेस का साइज केजेस भोजनों के यहाँ केजेस में जोड़ा रखा हुआ होता है वो बहुत छोटा केजेस होता है, तो उसके अंदर बर्ड्स थोड़ी बहुत फ्लाइंग भी नहीं कर सकते और उनमें हांडी वगैरह रखने की भी जगह नहीं होती। तो हमें हमारा केजेस ऐसा होना चाहिए कि उनमें बर्ड्स थोड़ी बहुत फ्लाइंग भी कर ले और उसका जो साइज है वो अच्छा हो, एक जोड़ा उसके अंदर रह सके और हम चार पाँच जोड़े का बड़ा केजेस भी रख सकते हैं। मैं अभी एक जोड़े की बात कर रहा हूँ, तो केजेस का साइज अच्छा होना, अगर केजेस के अंदर हांडी या वॉक्स लगा हो तो उसे ऐसे लगाए कि वो हिल नहीं रहा हो। बहुत भाइयों की हांडियाँ होती है जो हिलती रहती है और बर्ड्स उसके अंदर जाने से डरते हैं और वो अंडे वगैरह ले नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप देखा करो कि कभी भी बर्ड्स वगैरह अंडे वगैरह ले करते हैं तो वो पहले बॉक्स या हांडी को चूज करते हैं, तो दो दिन उसके अंदर आते जाते हैं और उसे देखते हैं, बॉक्स है बार बार अंदर घुसते हैं, बार बार बाहर निकलते हैं, तो वो यही देखते हैं कि हांडी वगैरह अच्छी है तो उन्हें कोई खतरा तो नहीं है उसके अंदर, या वो गिरने वगैरह का कोई खतरा नहीं है, या हिलती तो नहीं है, फिर बर्ड्स वगैरह उसके अंदर ब्रीड वगैरह करते हैं। तो आप ये 10 पॉइंट का ध्यान रखिए, आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए, तो चलते हैं अगले वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों मत भूलिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो तक।